रुक भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर छुप जाते हैं, अगर पकड़े गए तो जेल तो होगी, माल भी यहाँ से चला जाएगा। हाँ, सही कह रहे, चल दरवाजा बंद कर, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर, इधर इधर खोल। तो एक काम कर, बाहर जाकर नजर रख। हाँ, यहाँ पर रखूंगा, ठीक है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, बाहर जा, मुझे भूख लगी है, 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 नाम आशुतोष पांडे, उम्र 30 साल। इसकी बॉडी को देखकर लगता है किसी ने इसे खाया है, हो सकता है किसी जानवर का हमला हो। नहीं मैडम, पोस्टमार्टम के हिसाब से ये किसी जानवर का काम नहीं। रिपोर्ट के हिसाब से तो इसकी बॉडी पे बच्चों के बाइट मार्क्स हैं। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसे क्यों करे। ये उस प्रॉपर्टी पे क्यों गया था? मैडम चोर है, शायद चोरी का माल छुपाने गया होगा। इसके साथ कोई और भी था ना? हाँ मैडम, मगर वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। मुझे उससे मिलना है। मैडम इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर बोल रहे थे कि उसने कोई डरावनी चीज देखी होगी, इसलिए उसे गहरा सदमा लगा है। मुझे मत खाना, वो आशुतोष को खा गए। मुझे मत खाना, 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 वो आशुतोष को खा गए। मुझे मत खाना। कौन आशुतोष को खा गए? विजय, उसे कौन खा गए? मैडम डॉक्टर कह रहे थे कि जब से इसे यहाँ ले आए तब से ये इसी तरह बड़बड़ा रहा है। मुझे मत खाना, आशुतोष को खा गए वो लोग। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, आशुतोष को खा गए वो लोग। मुझे मत खाना। विक्रांत, आशुतोष की बॉडी पे बाइट मार्क्स और विजय की दिमागी हालत देखकर लगता है कि आशुतोष को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं अभी क्राइम लोकेशन के लिए निकल रही हूँ, वहाँ से कॉल करके तुम्हें अपडेट करती हूँ। ठीक है, मैं भी कल सुबह पुलिस स्टेशन पहुँच कर आगे की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। वहां मत जाइए मेम साहब, वहां मत जाइए। कौन है बेटू, नाम क्या है? मेरा नाम
मेरा नाम तो राजन है मेम साहब। वहां जाने से रोक क्यों रहा है? ऐसा क्या है वहां पे? बस मत जाइए तो मत जाइए, आप जानते नहीं है इस जगह के बारे में। हाँ नहीं जानती, तू जानता है ना, बता क्या है वहां पे। मेम साहब ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कोई है। कौन है? पता नहीं मेम साहब, पर मैंने आंखों के सामने वहाँ किसी को गायब होते हुए देखा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है इस जगह में कुछ पंगा है। और मैंने बहुत से लोगों को भी बताया पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगता है उस रात जो वहाँ पर हुआ वो उस भूत ने किया है। मत जाइए मेम साहब, मत जाइए मेम साहब वहाँ, मत जाइए मेम साहब, मत जाइए। आशुतोष की मौत के समय तुम्हें वहां पर लूट का सामान मिला था? नहीं सर, वारदात के बाद मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि आशुतोष की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी और खंडर के अंदर विजय पागल हो चुका था। इन दोनों के बारे में क्या जानते हो तुम? सर इन दोनों के सर पर इनाम था और ये दोनों पुराने छात्र चोर थे। और ये चोरी कहां से की थी इन्होंने? सर इन दोनों ने चोरी एक घर में की थी। अच्छा, इन दोनों पर कोई मर्डर का चार्ज या फिर कुछ भी? नहीं सर, दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि आशुतोष को किसी बुरी आत्मा ने मारा था। लोगों के बोलने से तो केस सॉल्व नहीं होगा ना, मुझे प्रूफ्स चाहिए, लोगों का बोलना नहीं। जी जाओ। जी सर। हाँ मात्रे बोलो। साहब वो विजय अस्पताल से भाग गया है। भाग गया कैसे? मात्र इसका मतलब वो नाटक कर रहा था, ढूंढो उसे जल्दी से।
अरे माल कहाँ चला गया? भूख लगी है। इसे जल्दी से जब्त कर और एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ दीदी। विक्रांत, यहाँ पे विजय की लाश मिली है। इसका मतलब वो पागलपन का नाटक कर रहा था, उसे जेल नहीं जाना था। विक्रांत, मुझे लगता है इस केस का उन बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन है जो मैंने यहाँ पे देखे थे। हमें उन बच्चों के बारे में पता करना होगा। एक तरीका है। क्या तुम्हें उन बच्चों में से किसी का भी चेहरा याद है? खोई हुई हो? कुछ नहीं, उसी बच्चे का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी। तो चलो उस बच्चे का चेहरा बना भी लेते हैं। वो लगभग 7-8 साल का बच्चा था। उसके बाल थोड़े घुंघराले से थे। मात्रे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? मात्रे ने बताया कि उस एरिया में बहुत सारे बेघर बच्चे रहते हैं, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो मैं उस एरिया के सारे बेघर बच्चों से बात करता हूँ। तब तक तुम पता करो कि वो घर जहाँ पर मर्डर हुआ था वो किसका था। मात्रे को बोला हुआ है उस घर के मालिक के बारे में पता करने के लिए। शायद उन बेघर बच्चों से ही पता चले कि ये बच्चा कौन है।
मैम ये चिंतन कांबे। नमस्कार मैडम। वो जगह इसकी है। आप जानते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे मर्डर हुआ है? हो मैडम, मेरे को मालूम गिरा है। तो सामने क्यों नहीं आए? क्या मैडम, वो प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है। मतलब? मतलब वो मेरा भांजा है ना कन्नी, उसने जबरदस्ती उसको अपना हक में लेके रखा हुआ है, उस पर कब्जा किया है। तो आपने इस कन्नी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? अभी कैसे कंप्लेन करेगा मैडम, वो तड़ीपार आदमी है, भंकसबाज आदमी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कभी किधर रहता है, और अपन उसका लफड़ा में नहीं पड़ना मानता है। अभी क्या है कि इतना उम्र हो गया, अभी मैं चाहता है कि भगवान का नाम लेके अपना जीवन काटेगा, अभी ये झमेला में मेरे को नको मांगता है। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। बाकी करनी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मात्रे को इन्फॉर्म करो। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जाऊं? जा। चल्ला गोटीला, नाम क्या तेरा? अमन। तेरा? गोलू। चलो बताओ कौन सी गोटी मारू? बीच वाली। अच्छा मुझे बताओ, ये इस बच्चे को देखा है तुमने यहां पर कहीं? कंचे खेलता है तुम्हारे साथ? ये भाग क्यों गए? तूने देखा है इस बच्चे को? मैं पूछ के आता हूँ। पूछ के आता है? किसे पूछ के आता है? तुम तो जानते हो ना इस बच्चे को, दोस्त है तुम्हारा, डर क्यों रहे हो? भूख लगी है? चलो इस बच्चे के बारे में बता दो, क्या नाम है इसका, जाके खाना खा लेंगे। बताओ। हाँ दीदी। वो जगह चिंतन कामली नाम के आदमी की है, लेकिन अभी उस जगह पर उसके भांजे कन्नी ने कब्जा कर रखा है, और वो कन्नी अभी तड़ी पार है। कन्नी? अच्छा ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। हाँ बाद में बात करते हैं। ठीक है। बताया था तूने? राजन ना? नमस्ते मैम साहब, आज आप फिर यहाँ आई है? तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए मैम साहब, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तूने कन्नी नाम के आदमी को इस घर के अंदर आते जाते देखा है? मैं तो दिन रात इधर ही घूमता रहता हूँ मैम साहब, ऐसा तो कोई आदमी मैंने देखा नहीं। ठीक है, अगर कन्नी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। जी मैम साहब। चलो। हेलो कन्नी भाई, एक पुलिस वाली आपके बारे में पूछने आई थी। नहीं, मैंने भगा दिया उसे। ठीक है, मैं उस घर में जाकर देखता हूँ कहीं हमने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा, वरना इस बार लंबे जाएंगे। हाँ कन्नी भाई, चलो। Thank you.
कौन है? कौन है वहां? कौन है? कनी भाई का आदमी है तू? कनी भाई लेकर आया ना तुझे? ठीक से काम करना साला, चला दिया। एक कप चाय देना। थैंक यू। क्या रे कन्नी, मैंने सुना है तू तड़ी पा रहे, फिर भी यहाँ का बच्चा बच्चा तेरा अड्डा जानता है। तू कौन है बे, और ये सब क्यों पूछ रहा है? तू नहीं, लोग मुझे साहब बोलते हैं। सब ये काय को मारा? बच्चे पे हाथ उठाने के लिए। सॉरी साहब, वो गलती हो गया। दो चापड़ में तमीज और अकल दोनों आ गई। सब मैं तो टाइम पे पैसा पहुंचाता है, फिर भी आप ये सब। इस बच्चे को जानता है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसको। नहीं जानता है? सच में नहीं जानता। किस एंगल से दिख नहीं रहा होगा? ठीक से देख। जानता है? नहीं साहब, नहीं जानता है। मैं नहीं जानता है? नहीं। चौकी पे जाके ही बोलेगा। चल। से कोई लेगा नहीं, बहुत नाटक है तुम लोग का। क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? मैडम, विक्रांत साहब ने इन बच्चों को पुलिस स्टेशन लाने के लिए बोला था। सिर्फ बच्चों को पुलिस स्टेशन लाने को बोला था, ये सब करने के लिए नहीं। सॉरी मैडम। उठ जाओ बेटा। इन बच्चों को घर छोड़ दो। चलो। एक मिनट, तुम नहीं, तुम रुको, आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। तुम उस दिन मुझे देखकर भागे क्यों थे और वहां क्या कर रहे थे? बबलू इधर आओ। क्या ले जा रहा? बड़ा पाव खाओगे? दो, एक और दो। गोलू, तुम मेरी मदद करोगे? इस बच्चे को जानते हो तुम? अरे दीदी, ये तो आप उनका दोस्त मुन्ना है। कब से जानते हो उसे? अरे दीदी, ये तो कुछ साल पहले लातूर से यहाँ पर भागकर आया था। उसे हमारे साथ भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। हमेशा कहता था कि उसे कुछ बड़ा आदमी बनना है और कुछ अच्छा करना चाहता है। अभी कहाँ है ये मुन्ना? ये भाग गया। गोलू, तुम क्या करते हो? तो भीख मांगता हूँ। और उस दिन तुम वो खंडेर में क्या कर रहे? अरे दीदी, वो तो खन्नी भाई ने बोला था कि खंडर के अंदर दो चोर आए लूट का सामान लेकर,
मैं वही ढूंढने के लिए अंदर गया था। और अगर तुम अपने ये कन्नी भाई की बात नहीं मानते तो कन्नी भाई क्या करते? वो मुझे तब तक भूखा रखते कि जब तक मैं मर ना जाऊं। खा लो। छोड़ो ना सब, मैं सच बोल रहा है सब, मेरे को कुछ नहीं पता। कर रहे दिमाग मत का। अरे सच में नहीं पता है सब। इस बच्चे को जानते हो तुम? नहीं जानता, मैं इसे पहले कभी नहीं मिला, नहीं मिला साहब। सब जानता हूँ। नाम क्या इसका? इसका नाम वो गोलू है साहब। तो तू इस बच्चे को जानता है तो उस फोटो वाले बच्चे को भी जानता होगा ना? नहीं साहब, 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 साहब। बताता हूँ सब, जानता हूँ उसको सब, पर उसका नाम नहीं मालूम है मेरे को। सब मैं लेके आया था उसको, सब वो कुछ काम ही नहीं करता था, इसके लिए मैंने उसको बेच दिया सब। किसे बेचा? वो विशु भाई है ना, उनको। किधर मिलेगा विशु भाई? सब वो तो मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम, आई शपथ नहीं मालूम। आई शपथ नहीं पता है? नहीं पता सब, आई शपथ नहीं पता। मात्रे मात्रे सब ले रहे, इसको कस्टडी मिले। चल रहे। गोलू डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब कन्नी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग हैं ना। सिर्फ महाराष्ट्र में 9000 से ज्यादा मिसिंग बच्चों के केसेस रजिस्टर्ड है। ये सोचो ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके केसेस कभी रजिस्टर भी नहीं हुए। और ये सब हम लोग रोकेंगे कैसे? ये तो मुन्ना की वजह से इतना बड़ा सच जो हमारी आंखों के सामने था, हम लोग अब देख रहे हैं। अदिति, या तो ये बच्चे किडनैप हुए हैं या इनमें से कुछ घर से भाग गए। मैंने इस एरिया के सारे बेघर बच्चों के नाम और फोटोज मंगवाए हैं। एटलीस्ट इस एरिया में हम ये काम खत्म करके ही छोड़ेंगे। सर, सर वो क्या? सर वो कन्नी। कन्नी का क्या? सर कन्नी भाग गया। भाग गया? कैसे भाग गया? पहले असाइलम से विजय भाग गया, अब ये कन्नी तुम्हारी निगरानी पे भाग गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है या नहीं तुम्हें? अब सड़ी हुई शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे। सर। और मिलते ही मुझे फोन करना। सर। इडियट्स। फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? आवाज तो अंदर से ही आ रही है। राजन, 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 राजन किधर है बे? कौन है?
कौन है वहां? राजन किधर है? राजन रात को आसपास के लोगों ने उस जगह से चिकनी चिल्लाने की आवाज सुनी। मकान के अंदर से। चलो। पता नहीं है ऐसा कौन सा राज छुपा है इस घर में जो लोगों को पता होने के बाद भी मरने के लिए यही आना होता है। देखने से तो लग रहा है कि इस घर में काफी समय से कोई नहीं रहता। रहते हैं विक्रांत। कुछ बच्चों की आत्माएं जो मैंने देखी, बस अब ये जानना जरूरी है कि इन बच्चों का इस घर से क्या कनेक्शन है। मात्रे अंदर जाके देखो। हाँ। विक्रांत ये तो राजन है। मेरी इससे बात भी हुई थी लेकिन ये तो यहाँ आने से डरता था। उसने खुद मुझे भी यहाँ आने से रोका था। फिर ये यहाँ कैसे? कल्ली चल चिंतन कांबे इतना मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया। देवा देवा है गाजला। ये कन्नी कौन था तुम्हारा? ये मेरा भांजा कन्नी। ये दूसरे आदमी को पहचानते हैं? नहीं पहचानता मैं।
आपने कन्नी के मुंह से कभी बीशु का नाम सुना था? नहीं साहब, कभी नहीं सुना मैंने। मात्रे चला बीशु तक पहुंचने की लीड कन्नी था, अब ये भी नहीं बचा। मुन्ना कन्नी से बदला लेना चाहता था, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राजन उसका इस सब से क्या लेना देना? अब ये तो बीशु ही बता सकता है। एक बात तो क्लियर है विक्रांत, ये सारे बच्चे वही है जो कन्नी और बीशु का कहना नहीं मानते थे और जिसकी वजह से उन्हें भूखा रख के मार दिया गया, और ये सब उनका गुस्सा है। हाँ, लेकिन अगर ये सारे बच्चे मरे भी है तो भी कहीं ना कहीं तो उनकी बॉडीज फेंकी होंगी ना। राइट, हमें भीषु के साथ साथ उन बच्चों की बॉडीज भी ढूंढनी होगी। चलो बात है, आज पहली बार बहुत खुश दिख रहे हो, अब डर नहीं लग रहा? क्या हुआ? आप कन्नी टपक गया, इसलिए हम सब खुश है। कन्नी टपक गया? अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी बीशु को देखा? नहीं साहब, हमने तो बस उसका नाम ही सुना है। नाम सुना है? तुमने देखा? नहीं देखा नहीं, नाम सुना है। और जब मुन्ना और उसके बाकी दोस्तों को भूखा रखा गया था, उसके बाद कभी तुमने उन सबको देखा? नहीं सर, हमें लगता था कि मुन्ना उसके सारे दोस्त भाग गए। अच्छा, ठीक है, चलो खेलो। बीशु कौन है तुम में से? क्या काम है? ले चलो इसे। ए मैडम, जानती नहीं मैं कौन हूँ? क्या है? मत! उठ! कन्नी के लिए काम करता है ना तू? मैं कन्नी के लिए काम नहीं करता, कन्नी का तो खुद का गैंग है। खुद का गैंग, और वो राजन मजदू उसे जानता है? अरे राजन बहुत चालू चीज है मैडम, वो शरीफ बनने का नाटक कर रहा है मैडम, और दरअसल मकान की चौकीदारी कर रहा है वो, और जो भी इस मकान के पास जाता है बोलता वहाँ भूत है। कन्नी अकेले इतना बड़ा गैंग नहीं संभाल सकता है, कहीं खुद को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं मिलता, ये बात तो किसी को नहीं पता है, उसका शरीफ दिखने वाला मामा शरीफ नहीं है, वो तो कन्नी का उसका चेहरा है, वो एक नंबर का 420 आदमी है, और दरअसल उसका गैंग उसका मामा चलाता है। ले चलो उसे। हाँ दीदी, कोई अपडेट? विक्रांत, बीशु तो मिल गया, लेकिन हमें जिसकी तलाश है वो कोई और है। कौन? चल चल तेरी तो, चल चल चल, बोल तेरे चल। अरे मैंने तेरे को प्यार दिया, तेरे को जिंदगी दी, काम दिया तेरे को, और तूने मुझे ही काटा। क्या हुआ बच्चा? साहब गोलू। गोलू का क्या? चिंतन मामा उसे ले गया साहब। किधर? वो हमें नहीं पता साहब। विक्रांत मुझे पता है चिंतन उसे कहाँ लेकर गया होगा। अब तू मेरे को बताएगा, तू मेरे को बताएगा कि राजन और कन्नी को किसने मारा? कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? सच्ची जी, सच्ची कुछ नहीं मालूम मुझे। एक सच्ची रे, झूठ है कहीं का? कौन कौन अब हंस रहा है? अच्छा तो वो मुन्ना की तरह हंस रहा है तू, है? जैसे मुन्ना की जिद तोड़ी थी ना मैंने, वैसे तेरी भी जिद तोड़ूंगा मैं, तेरी भी जिद तोड़ूंगा मैं। मुझे भूख लगी है मामा, मुझे भूख लगी है मामा, मामा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है मामा, कौन है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है मामा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है मामा, मामा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है मामा।
बोलना मुझे जाने दे। मुझे भूख लगी है मामा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने भूखों मार दिया बच्चों को, बच्चों को खाना नहीं दिया मैंने, इसके चलते बच्चे मर गए। मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। मात्रे, इसे हॉस्पिटल में लेकर जाओ और पता करो कि इसने सारे बच्चों की बॉडीज कहां पर छुपा के रखी है। सो मेरा बेटा, संभालिए अपने आप को। मुन्ना बहुत बहादुर बच्चा, इन लोगों ने उसे भूखा मार के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना हिम्मत वाला था, वो टूटा नहीं। शायद इसीलिए उसे मौत मिली।